टीम में एक न्यू ज्वाइन ही आई है, दिया। उसकी क्वालिफिकेशंस काफी स्ट्रांग है। बहुत दिनों बाद ऐसा सीवी देखा। एचआर ने कहा ये रिसेप्शन पे होगी। चलो, एचआर ने कम से कम इस बार क्वालिफिकेशंस के अलावा पर्सनालिटी और लुक्स पे भी ध्यान दिया। लुक्स परफेक्ट फॉर फ्रंट डेस्क। दिया, हाय। हाय, आई एम जगी, योर डायरेक्ट मैनेजर। हाय। ये रूबी हैं और ये पारुल, हमारी न्यू इंटर्न। हाय। हाय दिया, वेलकम। सो एक्साइटेड टू हैव यू। थैंक यू, मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड हूँ। एक मिनट, तुम फ्रंट डेस्क पे क्यों जा रही हो? सर, अपना काम शुरू करने। तुम फ्रंट डेस्क पर नहीं, किचन एरिया में रहोगी, हैंडल एफ एंड बी। सर, बट मैंने अप्लाई फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव के लिए किया था। वो मेरी स्पेशलाइजेशन और ड्रीम दोनों है। तो अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे अपनी टीम को किस डिपार्टमेंट में डालना चाहिए। मैंने तुम्हारी टीम को फ्रंट डेस्क के लिए क्लासी और सुंदर लड़के हायर करने को कहा था, ताकि गेस्ट पे अच्छा इंप्रेशन पड़ सके। ये दिया माथुर है तुम्हारा स्टैंडर्ड? जल्दी आ गए। आपका पहला दिन कैसा रहा? मतलब फ्रंट डेस्क है ना, और सब कुछ बहुत एक्साइटिंग होगा ना। दी, बताओ ना, कैसा रहा आपका पहला दिन? सीधा बॉटल से पानी पी रही हो, देख लो मम्मी का मूड कुछ खराब है आज। क्या हुआ मम्मी? ये हुआ बिटिया रानी, टाइम रहते माथुर दिया की शादी करा देते तो दूसरों के पति पे नजर नहीं डालती। मेरे मिस्टर तो बड़े भोले हैं जी, शक्ल देखी है आपने उसकी? कोई आदमी इसकी तरफ आंख उठा के देखेगा भी क्यों? यही पीछे पड़ गई होगी उनके। मैंने अपनी छत से देखा और फोटो खींची, देखो कैसे झुकी पड़ी है। हाय हाय मम्मी, मम्मी ये क्या? मम्मी इतनी बड़ी हो गई हो, अभी तक समझ में नहीं आता तुम्हें कि लोगों की निगाहें कैसी होती है, खासकर कुंवारी लड़कियों के लिए? मम्मी क्या बोल रहे हो? तुम चुप करो। मम्मी वो पड़ोसी बहुत क्रीपी है, इतनी इतनी गंदी निगाहों से देखा उसने और छूने की कोशिश की। बहुत से लोग हैं इस दुनिया में ऐसे जिन्हें लगता है कि मैं सिंगल हूँ, 32 साल की हो गई हूँ तो अवेलेबल हूँ, डेस्परेट हूँ। जब रोज झेलती हो तो इसके बारे में कुछ करती क्यों नहीं? अरे क्यों जाती हो छत पर अपने बाल सुखाने के लिए? अरे कैसी कैसी बातें कर रहे थे सब? अभी क्या चाहते? इतनी गंदी गंदी बातें कर रहे थे सब। क्या चाहते हो आप? कमरे में बंद होके बैठ जाऊं, घर से बाहर निकलना छोड़ दूं? वो सब हम नहीं जानते। हम इतना जानते हैं कि अगर तुम्हारी शादी हो गई होती ना तो हमें ये सब झेलना नहीं पड़ता। मम्मी तुम्हारी हर प्रॉब्लम का सलूशन शादी क्यों है? शादी करने से दुनिया वालों की फितरत बदल जाएगी क्या? दुनिया का तो हमें पता नहीं, लेकिन कम से कम मोहल्ले वालों का तो वो बदल जाता।
कोई ये तो नहीं कहेगा ना कि 32 सालों की है और माँ के घर पड़ी है, हमारे पति पर डोरे डाल रही है। अरे तुम जानती हो ना हमने कितनी कोशिश की थी तुम्हारी शादी सही टाइम पर कराने की। तो नहीं हुई ना, सबने रिजेक्ट कर दिया ना हमारे रंग रूप की वजह से, तो क्या करूं? अगर तुम्हें अपनी प्रॉब्लम पता है तो उसके बारे में कुछ करती क्यों नहीं? अरे इतना प्यार करती हो अपने इन बालों से, इन्हें सुखाने के लिए छत पर जाती हो, अरे उतना ही टाइम अपने रंग रूप पर देती तो अब तक तुम्हारी शादी हो गई होती। दिया आप इनकी बात मत सुनो। नहीं, नहीं। कहाँ जा रही हो मैडम? फेयरनेस क्रीम की बिफोर एंड आफ्टर लग रहे हैं दोनों, जैसे चांद के साथ दाग। सुना है तुम्हारी मैरिज नहीं हुई, बड़ा लोनली लोनली सा लगता होगा। नहीं, मैंने तुम्हारी टीम को फ्रंट डेस्क के लिए क्लासी और सुंदर लड़के हायर करने को कहा था ताकि गेस्ट अच्छा इंप्रेशन पड़ सके। ये दिया माथुर है तुम्हारा स्टैंडर्ड? टाइम रहते माथुर दिया की शादी करा देते तो दूसरों के पति पे नजर नहीं डालती। मेरे मिस्टर तो बड़े भोले हैं जी, शक्ल देखिए आपने उसकी, कोई आदमी इसकी तरफ आंख उठा के देखेगा भी क्यों, यही पीछे पड़ गई होगी उनके। अरे इतना प्यार करती हो अपने बालों से, इन्हें सुखाने के लिए छत पर जाती हो, अरे उतना ही टाइम अपने रंग रूप पर देती तो अब तक तुम्हारी शादी हो गई होती। हमें पता है हमारी गलती थी, हमें वो सब नहीं कहना चाहिए था जो हमने कहा, लेकिन क्या करें, गुस्सा आ गया था हमें। दिया गए Thank you.
क्यों कटवा लिए? अच्छा है ना, सबको प्रॉब्लम थी ना कि मैं छत पे जानबूझकर जाके बाल सुखाती हूँ। छत पे जाना ही नहीं होगा, फिर ना कोई मुझे गंदी निगाहों से देखेगा और ना ही कोई मम्मी को ताने मारेगा। एक और गुड न्यूज दूं, नहीं मिली मुझे फ्रंट डेस्क जॉब। मेरा तो सिर्फ रंग काला है, उनका क्या जिनके मन काले हैं। बचपन से ना मुझे मेरे अंदर सिर्फ एक चीज बहुत पसंद थी, मेरे बाल। तो लो अब वो भी कट गए, अब ना रहे बाल और ना रही प्रॉब्लम। हो गई मैं 100% बदसूरत। और अब ऐसी ही रहूंगी, जिसे जो कहना है वो कहे। Happy birthday to me. स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।